हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चंद्रकांत सैनी, टीम केमिस्ट्री, सीएलसी सीकर। आज बेटा अपन पेपर है अपना केमिस्ट्री, टॉपिक है जिसका आपके हाइड्रोकार्बन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 51 पे, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो आपको रिएक्टिविटी देखनी है किसके हाइड्रोजन हैलाइड की, किसके कंसेप्ट में, कंपाउंड है, कंपाउंड दे रखे हैं। तो कंपाउंड में आपको क्या करना है, पाई बॉन्ड ट्रांसफर करना है। पाई बॉन्ड ट्रांसफर करोगे तो बेटा क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। और कार्बोकैटायन की आपको क्या देखनी है, स्टेबिलिटी देखनी है। तो स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की जितनी मैक्सिमम होगी है ना, रिएक्टिविटी उस कंपाउंड की सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ जो कार्बोकैटायन बना, बेंजीन के साथ क्या करेगा, कॉन्जुकेशन करेगा। यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा तो इसके साथ में इसका क्या शो हो रहा है, प्लस एम इफेक्ट शो हो रहा है। यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा उसके साथ में इसका क्या लग रहा है, प्लस एच इफेक्ट लग रहा है। और यहाँ क्या लग रहा है, इसका माइनस एम इफेक्ट लग रहा है। कौन सा लग रहा है, माइनस एम इफेक्ट लग रहा है। तो बेटा सबसे ज्यादा किसका हो गया, प्लस एम इफेक्ट का। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, बी। बी के बाद में कौन आएगा, प्लस एच इफेक्ट, क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होती है, प्लस एम, प्लस एच और प्लस आई की होती है। और इन्वर्सली किसके होती है, माइनस आई, माइनस एच और माइनस एम की होती है। ठीक है, तो डी, डी के बाद में कौन आएगा आपका, ए है ना, और ए के बाद में लास्ट में कौन आएगा आपका, सी। तो आंसर क्या होगा, बी डी ए सी। ध्यान रखना कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो होती है वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसकी होती है, प्लस एम, प्लस एच, प्लस आई। ठीक है, इन्वर्सली होती है किसके, माइनस आई, माइनस एच, माइनस एम के। तो आपको क्या देखनी है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। क्या देखनी है बेटा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करें। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो आंसर क्या होगा बेटा, बी डी ए सी, बी डी ए सी। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है, एक रिएक्शन दी है उसमें मेजर प्रोडक्ट आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसमें बॉन्ड ट्रांसफर करोगे आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ जो कार्बोकैटायन बना, आप यहाँ से रिंग ब्रेक करके और यहाँ जाओगे, तो रिंग ब्रेक करके जाओगे तो क्या बनेगी बेटा, फाइव मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। ये लीजिए, यहाँ यहाँ पर आपका क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। इसके बाद इसमें क्या करोगे, यहाँ से एच एन की शिफ्टिंग करोगे, तो एच एन की शिफ्टिंग करोगे, तो एच एन की शिफ्टिंग करोगे तो आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन चेंज हो जाएगा। ये लीजिए, यहाँ पॉजिटिव, और फिर इस पर किसका टेक हो जाएगा, बी आर नेगेटिव का, तो बी आर नेगेटिव का टेक होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर बेटा, सेकेंड आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है कि आपको दिया है एल्काइन की रिएक्शन दी है ना, एल्काइन की रिएक्शन दी है सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच के साथ, और एच ओ सी एल के प्रोडक्ट दे रखे हैं, एच ओ सी एल रिएक्टेंट आपको दे रखा है। ठीक है, इसमें रिएक्शन करवाओगे तो ओ एच नेगेटिव होता है, सी एल क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। ओके, आप इस पर रिएक्शन करवाओगे, बॉन्ड ट्रांसफर करोगे, ये पॉजिटिव बना आपका, ये क्या बना, नेगेटिव। तो यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा, सी डबल बॉन्ड सी एच, इस पर क्या आएगा बेटा, सी एल। ठीक है, और इस पर क्या आएगा, ओ एच। फिर अगेन दोबारा रिएक्शन करवाओगे किसके साथ बेटा, आप एच ओ सी एल के साथ, एच ओ सी एल के साथ करवाओगे, वही बॉन्ड ट्रांसफर होगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ एच, ओ एच, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, सी एच सी एल टू, राइट। यहाँ से क्या निकालोगे, एच और ओ एच, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो में, किस में चेंज होगा, डबल बॉन्ड हो। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी बेंजीन सी डबल बॉन्ड हो, सी एच सी एल टू, सेकेंड आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा है विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इन एडिशन रिएक्शन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक एंड पाई बॉन्ड फॉर्म, नहीं बेटा, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, गलत है। इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन HNO3 एक्ट एज बेस, चेक कर लेते हैं आपके पास क्या होता है, HNO3 होता है, HNO3 को आप कैसे लिखते हो, ओपन करके ये लीजिए, OH और NO2। ठीक है, प्लस H2SO4 के साथ करवाते हो नाइट्रोजन, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। आप अपना लोन पे ट्रांसफर करोगे इसको, ठीक है, लोन पे ट्रांसफर करोगे तो ये किसकी तरह यूज का काम में आ रहा है, एक्ट कर रहा है बेस, क्योंकि लोन पे डोनेट कर रहा है। जो लोन पे डोनेट करता है वो किसकी तरह काम करेगा बेटा, बेस की तरह। ठीक है, तो ये किसका काम कर रहा है आपका, HNO3 किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। तो स्टेटमेंट नंबर सेकेंड आपका क्या है, सही है कि बेंजीन के नाइट्रोजन में HNO3 किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सेकेंड होगा। 55, विच इज करेक्ट रिएक्शन, आपसे पूछा करेक्ट रिएक्शन कौन सा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं, बॉन्ड ट्रांसफर करोगे बेटा, बॉन्ड ट्रांसफर करोगे, ये आपका कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन कौन सा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना।
इस कार्बोटाइन में आप यहाँ से एच चलाओगे, इस पर शिफ्टिंग कराओगे तो आपका ये क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोटाइन में रीअरेंजमेंट हो जाएगा। 3 डिग्री कार्बोटाइन मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू किससे, 2 डिग्री से। तो आपका जो Cl है, Cl कहाँ टेक करेगा, 3 डिग्री पे, वही आ रहा है। तो फर्स्ट आपका रिएक्शन क्या है, करेक्ट है। सेकेंड में चेक करते हैं, सेकेंड में आपका क्या है, CH2 नेगेटिव आया, तो क्या ये आपका कार्बोटाइन बनेगा। फिर आपको यहाँ दे रखा है CH3 और C2H5, तो C2H5 है तो C2H5 की शिफ्टिंग होगी तो 3 डिग्री कार्बोटाइन बनेगा। 3 डिग्री कार्बोटाइन पे BR का अटैक होगा, नहीं, यहाँ पे 2 डिग्री पे BR का अटैक है, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट अपन चेक करें, आप बॉन्ड ट्रांसफर करोगे तो बॉन्ड ट्रांसफर करोगे तो कार्बोटाइन बनेगा, कार्बोटाइन के साथ बाद में बॉन्ड ब्रेकिंग कराओगे तो 6 मेंबर रिंग बनेगी, ठीक है, वही बाद में 6 आपका यहाँ पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव से बाद में किस में चेंज होगा, 3 डिग्री कार्बोटाइन में चेंज होगा। फिर बाद में आपने एक डायल्यूट H2SO4 के साथ करा रखा है तो किसका अटैक होगा, OH का, तो OH का अटैक होगा। तो रिएक्शन क्या है आपकी, थर्ड वाली सही है। तो कौन कौन सी सही होगी बेटा, ए और सी, तो रिएक्शन आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ए एंड सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 56 दी आपको, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट व्हेन एल्केन रिएक्शन विद Br2CCl4, यानी आपकी कोई भी एल्केन है, एल्केन रिएक्शन कर रही है CH2 डबल बॉन्ड CH2, किसके साथ रिएक्शन कर रही है, Br बॉन्ड Br, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। आप इसको पाई बॉन्ड दोगे क्या बनेगा बेटा, CH2 बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ Br, फिर ये Br, ठीक है, राइट, यही बनेगा। यानी आपका क्या बनता है, ब्रोमिनियम आयन बनता है ना। अब क्या करोगे आप, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग कराओगे, ये लीजिए बॉन्ड ब्रेकिंग कराए, ये इसके साथ, ये इसको निकाल दो तो क्या बनेगा बेटा, CH2, यहाँ क्या Br, ये क्या बन जाएगा, कार्बोकटेन, और जब Br नेगेटिव बना, इस नेगेटिव का टेक इस पे होगा तो ये क्या बन जाएगा, CH2 Br, राइट। तो आपने दिया क्या है, इट गिव एन एंटी एडिशन, बिल्कुल आपके यहाँ क्या है, आपको एंटी प्रोडक्ट मिलता है, कौन सा मिलेगा बेटा, एंटी प्रोडक्ट मिलेगा। फिर दिया इंटरमीडिएट इज साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, आपका जो इंटरमीडिएट है ब्रोमोनियम आयन है, ये रहा देखो, ये जो आपका इंटरमीडिएट बना है ये कौन सा है, ब्रोमोनियम आयन वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट इज पॉसिबल, नहीं, इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, एंटी होगा, ब्रोमोनियम आयन बनेगा बट रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो स्टेटमेंट कौन सा सही हो गया, ए राइट है, बी राइट है, सी स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर सेकंड आपका क्या होगा, राइट होगा। फिर दिया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा है तो बॉइलिंग पॉइंट आपके डिपेंड करता है किस पे, मॉलिक्यूलर वेट पे, ठीक है। तो सबसे पहले किसका, जो एन ब्रांच होती है ना, एन ब्रांच होती है, फिर बाद में किसका होगा, ब्रांच वगैरह, जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होगी है ना, उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं आपके क्या दिया है, एन पेंटेन, एन पेंटेन क्या होता है, CH3 CH2 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 CH3, राइट। आइसोपेंटेन आपकी ये वाली आइसोपेंटेन होती है बेटा, राइट। और लास्ट आपकी क्या है, नियोपेंटेन, ये दीजिए नियोपेंटेन। तो यहाँ ब्रांच देखो कितने, 2, यहाँ 1 और यहाँ कोई ब्रांच नहीं है, है ना। तो सबसे ज्यादा इसी का होगा, फिर इसका। आंसर फर्स्ट इज करेक्ट, है ना, आंसर फर्स्ट क्या आपका, राइट है। नेक्स्ट चले बेटा, नेक्स्ट आपको दिया है कि आपको ओजोनोलाइसिस दिया है, क्या दिया है, ओजोनोलाइसिस। सीधा सा है बेटा, आप यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करें, दोनों साइड ऑक्सीजन लगा दें, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक के दोनों साइड ऑक्सीजन लगा दें, देखिए प्रोडक्ट क्या क्या बन गया, एक तो आपका बन गया CH3CHO, एक आपका बना CHOCHO और एक आपका बना C2H5CHO। तो CH3CHO ये यहाँ गलत हो गया, CHOCHO C2H5 ये गलत हो गया, CH3CHO बन गया, दूसरा क्या बना CHOCHO बन गया, और ये क्या बना C2H5CHO। थर्ड आंसर क्या हो गया, सही है बेटा, थर्ड आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलें, अगेन आपको ओजोनोलाइसिस दिया है ना। एक चीज ध्यान रखना, पीछे वाले में जो था वो आपका कौन सा था, यहां देखो जिंक डाल रखा आपके, क्या डाल रखा है, जिंक डाल रखा था, जिंक की प्रेजेंस में कौन सा होता है, रिड्यूसिंग वाला होता है, ठीक है ना, ओजोनोलाइसिस। यहां कौन सा होगा, यहां आपको दिया है जिंक, नहीं दिया,
ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव कराओगे, कौन सा कराओगे, ऑक्सीडेटिव कराओगे, तो वही बॉन्ड ब्रेकिंग करोगे, यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग किया, यहां पे ओ लगा दो, यहां ओ लगा दो, ठीक है। ये जो आपका प्रोडक्ट बना वो क्या बना, CH3CHO, और CHO का ऑक्सीडेशन कन्वर्ट होके किस में चला जाएगा, ये CH3CWH में चला जाएगा, ध्यान रखना, CH3CWH में चला जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन में दो होते हैं बेटा, जिंक की प्रेजेंस में हो तो रिडक्टिव होता है, और जिंक के अब्सेंस में हो तो कौन सा होता है, ऑक्सीडेटिव। तो CHO का ऑक्सीडेशन होगा किससे, H2O के ऑक्सीजन से, तो क्या बन जाएगा, CWH बन जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बना है, CH3CWH बनेगा, तो CH3CWH और क्या बना, CH3COCH3, मतलब एसिटिक एसिड बन रहा है, और कौन सा बन रहा है, एसीटोन बन रहा है। आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आंसर राइट होगा बेटा, कौन सा आंसर राइट होगा, फोर्थ आंसर राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एल्काइन दे रखी है, साथ में ध्यान रखना BH3 और THF के साथ है, तो रिएक्शन कौन सी होगी, AMKR होगी, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग होगी, AMKR होती है, ठीक है। AMKR में आप किसका, आपको अटैक किसका करवाना है, OH का, राइट। तो आपका जो सेकंड स्टेप में जाओगे तो क्या बनेगा, सॉरी बेंजीन नहीं, क्या बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा H, यहां किसका अटैक होगा बेटा, OH का, यहां किसका अटैक होगा, H का, ठीक है। जहां पे हाइड्रोजन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, वहां पे नेगेटिव पार्ट का अटैक होगा AMKR के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंटी मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग क्या होता है, नेगेटिव जो पार्ट होता है, नेगेटिव भाग जो है आपका, है ना, उसका अटैक कहां पे होगा, जहां पे हाइड्रोजन क्या हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो, तो OH का अटैक किस पे होगा, CH पे, और यहां पे किसका अटैक होगा, H का, राइट। अब आपको क्या कराना है, इसमें बॉन्ड की शिफ्टिंग करा दो, डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड को इधर ले आओ, और H को कहां ले जाओगे, यहां ले आओ, तो क्या बनेगा, ये तो क्या हो जाएगा, CH2, और ये क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड O, आंसर आपका ये होगा, ठीक है। कौन सा आंसर हुआ, सेकंड आंसर राइट है, इसमें कौन सा आंसर मिला आपको, सेकंड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, विच इज करेक्ट, आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। किसके कंसेप्ट में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्केन में जाए तो, ठीक है, एल्केन के कंसेप्ट में आपको बताना है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है आपके, जैसे CH4 है और उसकी रिएक्शन अपन Cr2 से कराएं, है ना, तो ये वाली जो रिएक्शन है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, इसमें आपको बताना है, फर्स्ट दिया रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, हेलोजन की रिएक्टिविटी, हेलोजन की रिएक्टिविटी F2 की ज्यादा होती है, Cr2 की कम होती है, Br2 की उससे भी कम होती है, I2 की, F2 की रिएक्शन है वो डार्क में नहीं, हाँ डार्क में, अंधेरे में हो जाती है, ठीक है। और Cr2 की रिएक्शन क्या होती है, सनलाइट में होती है, बाकी की रिएक्टिविटी कम होती है, तो अपने को कुछ ना उसमें हीटिंग वगैरह कैटलिस्ट वगैरह डालने पड़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट आंसर आपका क्या होगा, जो दे रखा है स्टेटमेंट में, वो आपका क्या दे रखा है, करेक्ट दे रखा है। सेकंड वाला आपको क्या दे रखा है बेटा, गलत दे रखा है। थर्ड वाले में CH4+Cl2 बताया है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CCl4 बनेगा, अक्सेस में क्या बनेगा, CCl4, और एल्केन की क्या दी है, रिएक्टिविटी दी है, तो एल्केन की रिएक्टिविटी 3:2:1 होती है बेटा, ध्यान रखना, मैक्सिमम किसकी होती है, 3 की होती है, ठीक है, तो ये गलत है। तो फर्स्ट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको दोबारा पूछा है कि स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज कंसंट्रेटेड, नाइट्रेटिंग जो मिक्सचर होता है वो किसका होता है, कंसंट्रेशन HNO3 और कंसंट्रेशन H2SO4 का होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन अटैक ऑफ NO2+ इज स्लो स्टेप, ठीक है, ये बात भी उसकी करेक्ट है कि जो नाइट्रेशन अपन करवाते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होता है वो आपका क्या होता है, स्लो स्पीड से होता है, दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर होगा ए एंड बी, ध्यान रखना, सेकंड आंसर होगा कौन सा होगा, ए एंड बी वाला, दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, राइट है। नेक्स्ट चले, रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HOCl, प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2+HOCl HOCl, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अब इसमें आपका ध्यान रखना बॉन्ड ट्रांसफर होगा किसके साइड, OH की साइड, तो OH नेगेटिव बनता है और Cl क्या बनता है, पॉजिटिव, और इसका टेक कहाँ होगा, Cl पे होगा, किस पे होगा, Cl पे। तो आपसे पूछा प्रोपीन की HOCl के साथ जो रिएक्शन होती है उसमें H आयन आपके फर्स्ट स्टेप में नहीं, H आयन नहीं, फर्स्ट स्टेप में देखो अटैक किस पे कर रहा है, Cl आयन पे कर रहा है, किस पे कर रहा है, Cl आयन पे। तो Cl आयन जिसको अपन बोलते हैं क्लोरिनियम आयन, है ना, तो क्लोरिनियम आयन इन द फर्स्ट स्टेप, ये बात सही है, फर्स्ट स्टेप में कौन काम आता है, Cl आयन काम आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड क्या होगा, राइट होगा, आंसर सेकेंड राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया आपको,
द रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, यानी आपको जो प्रोडक्ट दिया है, रिएक्टेंट दिया है, आपको रिएक्टेंट ये दिया गया है CH2Br, इसमें आप सबसे पहले आप इसको हीट करोगे किसके साथ, एल्कोहलिक बेस के साथ रिएक्शन करोगे, तो एल्कोहलिक बेस में कौन सी रिएक्शन आएगी बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। आप यहाँ से H निकाल दो, यहाँ से Br निकाल दो, क्या बन जाएगा CH2, आपका बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ क्या आ गया Br। अब ये क्या बना बेटा, वाइनिल ब्रोमाइड बना है, ये स्टेबल होता है, कॉन्जुगेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए, अब इसमें से अगर आपको दोबारा एलिमिनेशन करवानी है, HBr निकालना है, तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा तो आप सोडामाइड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं सोडामाइड, यहां से H जाएगा Br जाएगा, क्या बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आपको यही बनाना है। तो रिएजेंट पूछा है, तो रिएजेंट कौन सा आ जाएगा, आंसर सेकेंड आंसर आएगा भैया, एल्कोहलिक बेस पहले काम में लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको सोडामाइड की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या करवानी होगी, रिएक्शन करवानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दिया है रिएक्शन दी है, उसकी रिएक्शन करवानी है डाइल्यूट H2SO4 के साथ, वही है, पहले बॉन्ड ट्रांसफर कराओगे 2° कार्बोकटाइन बनेगा, राइट, फिर बाद में आप किसकी शिफ्टिंग कराओगे, H की शिफ्टिंग कराओगे 3° कार्बोकटाइन बनेगा, ठीक है, और 3° कार्बोकटाइन पे किसका टेक करवाओगे, OH नेगेटिव का, ये लीजिए OH नेगेटिव का टेक करवा दो, OH नेगेटिव का टेक करवाओगे तो 3° प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, कौन सा बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये 1° है, ये रहा थर्ड आंसर, आंसर कौन सा राइट होगा बेटा, थर्ड आंसर, ठीक है, 3° कार्बोटाइन इज मोर स्टेबल, ये लीजिए पीछे वाला हो गया, ओके 65 हो गया, 66 आपको क्या दे रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट दे रखा है, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, कौन सा करवाना है, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, तो कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है बेटा, आप एक काम करें, यहाँ से CW निकाल दे तो ये रेडिकल बन जाएगा, यहाँ से CW निकाल दे तो ये रेडिकल बन जाएगा, ठीक है, दोनों रेडिकल बन जाएंगे, दोनों रेडिकल को आपस में मिक्स कर देना, ठीक है, बॉन्डिंग कर लेंगे, तो बॉन्डिंग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, थर्ड, दोनों CO(K) को निकालोगे तो किस में चेंज होगा, रेडिकल में चेंज होगा, ठीक है, और दोनों रेडिकल आपस में रिएक्शन करेंगे तो आंसर क्या करेंगे बेटा, थर्ड वाले आंसर देंगे, ठीक है। प्रेडिक्ट स्ट्रक्चर ऑफ हेलोजन इन फॉलोइंग रिएक्शन, आपको रिएक्शन दी है, कौन सी रिएक्शन है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइल रिएक्शन है, कौन सी है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइल, अब देखो आपके यहां से Cl जाएगा किसके साथ, AlCl4 के साथ, तो ये तो बाहर क्या निकल जाएगा, AlCl4, यहां क्या बन जाएगा, कार्बोकटाइन बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोकटाइन, यहां से क्या कराओगे, H की शिफ्टिंग कराओगे, क्योंकि 1° कार्बोकटाइन बना है, 1° कार्बोकटाइन किस में चेंज हो जाएगा, 2° में, किस में चेंज होगा, 2° में, और अब इसका अटैक होगा इस पर, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा, क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल, ध्यान रखना 2° कार्बोकटाइन बनेगा, ये गलत होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, कौन सा बनेगा, फोर्थ आंसर आपका क्या होगा, राइट होगा। 68, आपको एल्काइन की रिएक्शन दी है, और एल्काइन की रिएक्शन किसके साथ करा रहा है, सोडामाइड, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा आपका यहाँ CH3C(CNA) बनेगा, क्या बनेगा, CCNA, फिर बाद में देखो रिएक्शन किसके साथ करा रहा है, एल्काइल हैलाइड के साथ करा रहा है, तो इसका क्या जाएगा Br, इसका क्या जाएगा Na, तो Na के साथ Br जाएगा, तो आपका यहाँ जो बनेगा ये बन जाएगा CH3C(CH2CH3) ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो आप, आगे लिंडलार से, लिंडलार से करवा रहे हो, तो लिंडलार से कौन सी बनती है, ध्यान रखना सिस बनती है, कौन सी बनती है, सिस बनती है, लिक्विड अमोनिया के साथ और सोडियम के साथ कराते हो तो ट्रांस एल्किन बनती है, लिंडलार के साथ करवाते हो PD है ना, और साथ में BSO4 हो तो उसके साथ करवाते हो तो कौन से एल्किन बनती है, सिस एल्किन बनती है, ठीक है, तो सिस एल्किन बनानी आपको क्या बन जाएगा, CH3CH(CH2H5) और H, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, तो चेक करें फर्स्ट आंसर में ट्रांस नहीं होगा, सेकंड में कौन है बेटा, सिस, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर सही हो जाएगा, ध्यान रखना भैया सेकंड आंसर आपका सिस है, बट ये चेक कर लेना एक साइड CH3 और एक साइड C2H5 सही है, यहाँ C4 है, यहाँ भी C4 है, तो थर्ड आंसर नहीं होगा और ये भी आपका आंसर नहीं होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकंड आंसर आपका क्या होगा, राइट होगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवर्धन जाएंगे टीम केमिस्ट्री टीम CLC, स्वागत है आपका CLC का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक पार्ट का अपन टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, अच्छा गया होगा आपका पेपर, कोई गलतियां रही है तो आप स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे आप नहीं दोहराएं।
क्वेश्चन नंबर 69 आपको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंज ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस, निम्न को त्रिज्या के बढ़ते क्रम में लिखो। तो स्टूडेंट अपन जानते हैं कि पोटेशियम और सोडियम और लिथियम, वैसे इस साइड में जाने पर आपको पता है स्टूडेंट आकार जो है वो बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है तो स्टूडेंट जलयोजन जो है वो घटेगा, तो इसका जलयोजन कम होगा और इसका जलयोजन ज़्यादा होगा। तो जलयोजित आकार की अगर अपन बात करें तो स्टूडेंट इस साइड में बढ़ेगा, आंसर कौन सा होगा फर्स्ट। नेक्स्ट अपन जाते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 70 पर, दो आपको सूची दे रखी है उनको अपने को मैच करना है। तो स्टूडेंट अनिल पेंटियम, अनिल सेप्टियम, अनिल एनियम और अनन नीलियम, इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो भी जाएगा स्टूडेंट, पी के अंदर सी एक में दे रखा है, आंसर कौन सा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट सूची एक और दो को आपको मिलान करना है, इसमें अक्रिय गैस तत्व, अपन जानते हैं स्टूडेंट अक्रिय गैस तत्वों का जनरल कॉन्फिगरेशन क्या होता है, NH2NP6, और हीलियम जो है वो इनर्ट गैस होता है लेकिन इसका 1s2, तो इसके अंदर आंसर कौन सा जाएगा बी, तो फर्स्ट के अंदर बी जाएगा स्टूडेंट, एक ही अपने को ऑप्शन मिल रहा है तो बाकी आपने चेक कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 72, किसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, तो ये फॉस्फोरस है, ये सल्फर है, ये क्लोरीन है और ये सिलिकन है। तो इसमें अपन जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की होती है, तो आंसर कौन सा जाएगा थर्ड। एक तत्व की कर्मागत आयनन एंथैल्पी आपको दे रखी है स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि कर्मागत आईपी का मान सदैव बढ़ता है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, m m+m+2, जैसे जैसे आगे बढ़ो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आईपी बढ़ेगा, लेकिन आईपी का नहीं आयनन एंथैल्पी, ठीक आईपी की बात दे रखी है, माइनस नहीं है स्टूडेंट प्लस है, तो यहां से कर्मागत आईपी लगातार बढ़ते क्रम में बात ठीक है, लेकिन जैसे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन से निकलता है तो आईपी में अचानक काफी ज्यादा वृद्धि होती है। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा निकला, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन, सातवां इलेक्ट्रॉन जब निकला तो काफी ज्यादा यहाँ पर जंप मिलने है ना, एक्सपेक्टेड से ज्यादा आईपी यहाँ पर लग रही है, इसका मतलब छह इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सातवां इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल रहे हो तो आईपी आपको उम्मीद से काफी ज्यादा देनी पड़ रही है, काफी ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर नजर आ रही है, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट कितने हैं छह, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर छह है तो इसका मतलब ग्रुप 16 अपना आंसर जाएगा क्योंकि इसका जनरल कॉन्फिगरेशन NH2NP4 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, आंसर कौन सा हो गया थर्ड। आयनन ऊर्जा का सही क्रम है स्टूडेंट, तो बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर 2s2, 2s2, 2p1, 2s2, 2p2, 2s2, 2p3 और 2s2, 2p4। अपन जानते हैं स्टूडेंट की पेनिट्रेशन पावर के कारण बेरिलियम बोरॉन से ज्यादा आईपी होगा, नाइट्रोजन का स्टेबल कॉन्फिगरेशन के कारण नाइट्रोजन का आईपी ऑक्सीजन से क्या होगा ज्यादा, तो आंसर क्या जाएगा बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन और उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन, तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा स्टूडेंट बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 75 के अंदर आपको एक कंप्लीट रिएक्शन आपको दे रखी है और आपको कुछ डेटा दे रखे हैं और आपको पूछा इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट F जो है वो एक प्रकार से पहला इलेक्ट्रॉन लेगा तो F माइनस बनाएगा, एक दूसरा फ्लोरीन है वो भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो F माइनस बनाएगा, मैग्नीशियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज करेगा तो Mg+2 बनाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इस रिएक्शन के अंदर अगर अपन सभी को जोड़ दें ठीक है ना, तो अपने पास क्या रिएक्शन आएगी Mg+2F gives Mg+2 plus 2F-, तो यही रिएक्शन आपको दे रखी है, तो ये डेटा आपको सारे दे रखे हैं, F माइनस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी यहाँ पर -328 है और यहाँ पर भी माइनस का 328 ही होगा, सेम ही रिएक्शन होगी, मैग्नीशियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो 737 होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो 1451 यहाँ पर आईपी लग रहा है, तो
तो इन सभी रिएक्शंस को जोड़ने पर ही आ जाएगी, इसका मतलब इनके डेल्टा एच भी आपको जोड़ने हैं, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट जाते हैं अपन आगे, तो इसमें जो भी आंसर इसमें फर्स्ट आ रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तीन कंपाउंड आपको ए बी और सी दे रखे हैं, इनके हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स के बारे में बात कर रखा है और आपको बोल रखा है कि समान आवर्त के हैं, बहुत अच्छी बात है। एक का जो जलीय विलयन है वो पीएच 7 से कम है, इसका मतलब ए जो है वो एसिडिक नेचर का, मतलब ऑक्सी एसिड बना रहा है, ऑक्सी एसिड बना रहा है, इसका मतलब नॉन मेटल है। और बी के बारे में स्टूडेंट एम्फोटेरिक बोल रखा है और इसकी पीएच 7 से ज़्यादा दे रखी है, मतलब बेसिक, बेसिक का मतलब ये मेटल। तो ए की आवर्त के हैं तो स्टूडेंट मेटल पहले आता है और उसके बाद में एम्फोटेरिक आता है, फिर उसके बाद में नॉन मेटल्स आती है, नॉन मेटल्स आती है। तो मेटल तो हो गया स्टूडेंट सी, और एम्फोटेरिक जो है वो मेटल बी का बनेगा और ए जो है वो क्या होगा पीरियड के अंदर नॉन मेटल्स राइट साइड में आती है, तो ये ऑर्डर रहेगा सी बी ए। तो पीरियड के अंदर बेसिकली सी बी और ए, ये पीरियड के अंदर इनका ऑर्डर हो गया, जिसमें सी मेटल है और ए जो है वो नॉन मेटल। तो सभी तीनों तत्व धातु हैं, ये बात तो गलत हो गई। विद्युतीयता एक्स वाई जेड तक घटती है, अच्छा तत्व जो है वो ये तो हाइड्रोक्साइड को है। तीन तत्व एक्स वाई जेड, अच्छा इनको जो है वो एक्स वाई जेड के रूप में बोला गया है। तो विद्युतीयता एक्स से वाई, वाई से जेड, एक के संगत अक्ष बोला है, वाई बोला है और सी के संगत जेड। तो विद्युत ऋणता जो है वो अक्ष से वाई और वाई से जेड घटती है, बात सही है, क्योंकि अपने को पता है पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट तो बढ़ती है, तो इस साइड में घटेगी, तो बात सही दे रखी है। अक्ष वाई एंड जेड क्रमशः फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम और सोडियम, फॉस्फोरस और एल्यूमिनियम और अपने को दे रखा है सोडियम, तो बात ठीक है, ये मेटल हो गया। तो आंसर आपका जो है ये वाला ठीक है। त्रिज्या वाली बात जो है ये तो गलत हो गई स्टूडेंट्स, लेफ्ट टू राइट त्रिज्या जो है घटती है, तो इसमें सेकंड और फोर्थ सही है। क्वेश्चन नंबर 70, तो बेसिक ऑक्साइड मेटल का होता है, एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनता है स्टूडेंट, N2NO2 न्यूट्रल होते हैं और एसिडिक ऑक्साइड SiO2 होता है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 78 में आपको बोल रखा है, कोई जानकारी दे रखी है कॉलम फर्स्ट में, सेकंड से आपको मैच करना है। एक तत्व जो चौथे कोष के पी में दो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, P2 कॉन्फिगरेशन तो आपको पता है, ये तो 14th ग्रुप का है, तो पहले और तीसरे में से देखते हैं अपन। बी में एस ऑप्शन सेम दे रखा है, डी वाला जो है इससे अपने को अंतर समझ में आ जाएगा। एक तत्व जिसका आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 4s2 3d10 है, इसका मतलब ये जिंक हो गया और जिंक आपको पता है कि 12वें ग्रुप का होता है, इसका मतलब क्यों आएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा तीसरा, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर, कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को नहीं दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ने स्टूडेंट, 6 और 4 कितने हो गए 10, 2 और 8 कितने हो गए 10, 7 और 3 कितने हो गए 10, 1 और 9 कितने हो गए 10, एटॉमिक नंबर को जोड़ लो। किसी भी अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तो आप उनके एटॉमिक नंबर को जोड़ लो, अगर उस पर कोई प्लस माइनस है तो प्लस है तो घटा दो इलेक्ट्रॉन, माइनस है तो बढ़ा दो। जैसे फॉस्फोरस 15 और 3 कितना हो गया, 15 प्लस 3 18, यहाँ पर 14 प्लस 4 कितना हो गया 18, यहाँ पर 1 प्लस 16 17 तो हो गए एटॉमिक नंबर जोड़ने पर और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो 18, आर्गन के पास 18 होते ही हैं। इस टाइप से यहाँ पर 8 और 1 9 और 1 10 हो गए, यहाँ पर 8 प्लस 2 10 हो गए, यहाँ पर नाइट्रोजन 7 प्लस 2 और माइनस का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास 10, फ्लोरीन 9 प्लस 1 10, तो आंसर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा फोर्थ। सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां दे रखी है आपको N-3 O-2 और F-, तो अपन जानते हैं स्टूडेंट इसके अंदर इलेक्ट्रॉन सब में कितने हैं 10 है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं, जेड बढ़ेगा इस साइड में, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज जो है वो घटेगी, तो डेटा घटते हुए ऑर्डर में होने चाहिए स्टूडेंट। F- सबसे कम होना चाहिए, तो ये
ये लगातार घट रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 81, इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, निम्न में से कौन से समूह में सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज उपस्थित है। फिर से स्टूडेंट देखो, चार ऑक्सीजन तो इन सब में है, फॉस्फोरस पी माइनस 3, 15 और 3 18, 16 और 2 18, 17 और 1 18, तो ये तो सम इलेक्ट्रॉनिक हो गया। इन सब में स्टूडेंट जोड़ लो आप, 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सब में। तीन ऑक्सीजन इसके पास, तीन ऑक्सीजन इसके पास, दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कार्बन और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन सेम कैसे हो सकते हैं? यह आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। O माइनस टू एफ, ये आपको दे रखा है, सत्य कथन आपको पूछा है स्टूडेंट्स। तो आप जानते हो इस साइड में जाने पर इन सब में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जेड बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज घटेगी, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, बात सही है, आकार जो है वो बढ़ेगा, बात गलत होगी, आयनन ऊर्जा बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आईपी, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी जेड इफेक्टिव के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 83 के अंदर आपको आईपी का ऑर्डर पूछा है, तो स्टूडेंट अपने को पता है एम प्लस एम और एम माइनस आईपी का ऑर्डर ये होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ और एफ माइनस में आईपी ज्यादा किसका है? एफ का। सीएल और सीएल माइनस में आईपी ज्यादा किसका है? न्यूट्रल एटम का ज्यादा होता है भाई, करेस्पॉन्डिंग आयन से। और फ्लोरीन और क्लोरीन अपन जानते हैं कि नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, इसलिए आईपी घटेगा। एफ माइनस और सीएल माइनस को अपन सोच लेते हैं, एफ माइनस का आईपी, आईपी ऑफ एफ माइनस का मतलब हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं आईपी ऑफ एफ माइनस, और इधर वाले प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या डेल्टा एच ईजी ऑफ फ्लोरीन। क्लोरीन माइनस का आपको आईपी देखना है, आईपी देखना है मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है अपने को, इस प्रोसेस को अपन बोल सकते हैं आईपी ऑफ सीएल माइनस, और इधर वाली प्रोसेस को अपन बोल सकते हैं डेल्टा एच ईजी ऑफ। तो रिएक्शन को विपरीत करने पर डेल्टा एच का परिमाण वही रहता है, चिन्ह चेंज होता है, इसका मतलब चाहे इधर वाला प्रोसेस हो चाहे इधर वाला, इसका डेटा सेम रहेगा लेकिन चिन्ह जो है चेंज होगा। तो अपन फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, मतलब नेगेटिव वैल्यू इसकी ज्यादा होती है इस नेगेटिव वैल्यू से, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर है तो इसको नेगेटिव है, यहाँ वाला डाटा नेगेटिव होगा, यहाँ वाला डाटा भी नेगेटिव होगा, बट ये क्या होगा ज्यादा, तो डाटा तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा बट ये टर्म्स पॉजिटिव में हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव में हो जाएगा ऊपर वाला, तो आईपी ज्यादा किसका होगा स्टूडेंट? ठीक है ना, मान लो 348 है यहाँ पर माइनस का, और यहाँ पर मान लेते हैं माइनस का कितना है 90 है, तो यहाँ तो प्लस का 90 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 348 हो जाएगा, तो आईपी सीएल माइनस का क्या होगा ज्यादा, तो एफ माइनस की तुलना में आईपी ज्यादा सीएल माइनस का, सीएल माइनस ज्यादा सीएल का और सीएल से ज्यादा एफ का। एफ माइनस से ज्यादा सीएल माइनस का, सीएल माइनस से ज्यादा सीएल का और सीएल से ज्यादा एफ का। कहां गया भाई? तो इसके अंदर आंसर कौन सा जाएगा स्टूडेंट्स? सीएल माइनस का ज्यादा होगा एफ माइनस की तुलना में, तो ये वाला तो आपका गलत हो गया, ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा सही? ये थोड़ा सा क्या है कि दोबारा लिख देता हूं मैं, एफ सीएल, सीएल माइनस और एफ माइनस। तो ये वाला क्वेश्चन आईपी का ऊर्जाओं का सही क्रम है, तो देखो आईपी के बारे में अपन जानते हैं कि एम प्लस एम और एम माइनस, आईपी जो न्यूट्रल एटम की बजाय कैटायन का ज्यादा होता है और एनायन का क्या होता है कम, तो अपन यहां से बात करते हैं कि एफ और एफ माइनस में आईपी ज्यादा होगा इसका, सीएल और सीएल माइनस में न्यूट्रल एटम का ज्यादा होगा, और एफ और सीएल के अंदर अपन जानते हैं स्टूडेंट ग्रुप पे नीचे जाने पर घटती है क्योंकि साइज बढ़ती है। अब अपने को एफ माइनस और सीएल माइनस का ऑर्डर पता लग जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा अपना,
तो एफ माइनस का आईपी का मतलब हो गया कि एफ प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इधर वाला आईपी हो गया और इधर वाला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा। क्लोरीन का आईपी का मतलब क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और ये इधर वाला रिवर्स प्रोसेस जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा। अपन जानते हैं स्टूडेंट क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा तो आईपी का मान भी, आपको पता है रिएक्शन को विपरीत करने पर परिमाण वही रहता है, चिन्ह चेंज होता है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है यहाँ की तुलना में, तो इसका वाला आईपी भी क्या होगा, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा आईपी एफ माइनस की तुलना में सीएल माइनस का क्या होगा, ज्यादा। सीएल माइनस से ज्यादा सीएल, सीएल से ज्यादा एफ, तो आंसर कौन सा जाएगा, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 84, घनत्व का क्रम, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम। तो नीचे जाने पर जनरली अपन कह सकते हैं मास वाला इफेक्ट के कारण डेंसिटी बढ़ता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम गड़बड़ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे कम डेंसिटी लिथियम की, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, ये आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, स्टूडेंट इसके अंदर नाइट्रोजन क्लोरीन की आपको पता है सबसे ज़्यादा होती है, और नाइट्रोजन और एल्यूमिनियम को कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया आपको एल्किन दिए, साइक्लो एल्किन दिए, और उसके एनबीएस से रिएक्शन करवानी है। किससे रिएक्शन करवानी है, एनबीएस। एनबीएस पे हमेशा कौन सा होता है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। एलाइलिक पोजीशन पे किसका टेक होगा, बीआर का, ये लीजिए एलाइलिक पोजीशन पे बीआर, ये आपका बन गया ए, क्या बना, ए बना। फिर आपको एल्कोहलिक केओएच के साथ करवानी है, एल्कोहलिक केओएच के साथ रिएक्शन कराओगे, यहां से आपका एच जाएगा, ये बीआर जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां बॉन्ड है ये बन जाएगा, राइट। फिर आपको क्या दिया है, सीएल टू के साथ दिया है, हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे ध्यान रखना वही एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, कौन सा होगा, एलाइलिक। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा बेटा, यहां पे क्या आ जाएगा आपका, वापस सीएल आ जाएगा, क्या आएगा, सीएल। और फिर वापस आपको क्या दिया है, एल्कोहलिक बेस दिया है, एल्कोहलिक बेस दिया है, तो यहां से एच जाएगा और यहां से सीएल जाएगा और ये आपका बेंजीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बोन यहाँ, ये यहाँ, ये लीजिए बेंजीन बनेगा, क्या बनेगा बेटा, बेंजीन। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड आंसर आपका राइट होगा, सेकेंड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपसे दिया है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको बतानी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बतानी है। तो देखो आपको यहाँ क्या देखा है, इसमें बोन ट्रांसफर करोगे ये कार्बोकटाइन बनेगा, इसमें बोन ट्रांसफर करोगे ये कार्बोकटाइन बनेगा, इसमें बोन ट्रांसफर करोगे ये कार्बोकटाइन बनेगा। तो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है, क्या बतानी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, ये बताना है। जहां स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन ज्यादा होगा वहां उसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब देखो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा कहाँ है, यहां डांसिंग रेजोनेंस होता है, सिग्मा रेजोनेंस, ठीक है, यहां क्या होता है, पाई रेजोनेंस। तो सिग्मा रेजोनेंस ये आपका क्या है, साइक्लोप्रोपेनियम कैटायन है, तो सिग्मा रेजोनेंस आपका क्या होता है, मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू पाई। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, बी, बी के बाद कौन हो जाएगा, ए, और ए के बाद में यहां क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो सी। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ए सी, तो बी ए सी सेकेंड आंसर आ जाएगा बेटा, कौन सा आंसर आएगा, सेकेंड। नेक्स्ट दिया आपको, नेक्स्ट आपको देखो यहां चेक करना पड़ेगा, प्रोपीन की रिएक्शन दी है सीएल टू और एचन्यू पे, किस पे दिया है, सीएल टू और एचन्यू पे दिया है। एच न्यू पे आपका ध्यान रखना फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, कौन सी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है, फ्री रेडिकल। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। दोनों क्या होंगे, वही बात, सीएल बॉन्ड सीएल है, एच न्यू की प्रेजेंस में कराओगे तो क्या बनेगा, सीएल रेडिकल प्लस सीएल रेडिकल, ठीक है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो सी एच टू बॉन्ड एच, ये क्या है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, सी एच टू, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, इसका इसके साथ करवा दो, बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। हाँ जी, थ्री डिग्री हाइड्रोजन है, थ्री डिग्री हाइड्रोजन इजी वे रिप्लेस होता है, और उसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हो किसके साथ, KMnO4 के साथ। तो हाइड्रोजन निकलता है किस में कन्वर्ट होता है, OH में कन्वर्ट होता है, एल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, ये नहीं बनेगा, सेकेंड आंसर होगा, ये भी नहीं बनेगा,
ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा बेटा? सेकंड आंसर आपका रेड, यानी 3 डिग्री हाइड्रोजन किस में चेंज हो जाएगा बेटा? एल्कोहल में चेंज हो जाएगा, तो सेकंड आंसर है। आ जाइए नेक्स्ट, आपको दिया है Al4C3 की H2O के साथ कराते हो तो बेटा CH4 बनेगा, क्या बनता है? मीथेन बनती है। मीथेन की Cl2 के साथ कराओगे तो क्या बन जाएगी? CH3Cl बनेगी, क्या बनेगी? CH3Cl। और फिर इसकी कौन सी रिएक्शन करा रहे हो? वुड्स करवा रहे हो, वुड्स करवा रहे हो, वुड्स करवा रहे हो, तो ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH3, क्या बनेगा? CH3 बॉन्ड CH3। आंसर क्या आ गया? इथेन। तो इथेन आंसर आपका क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, फिर आपको दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और आप रिएक्शन करा रहे हो NaCl और एक्वस ब्रोमीन के साथ दिया, तो रिएक्शन में कौन कौन आ सकता है? आपके ध्यान रखना, एक्वस ब्रोमीन है तो OH आ सकता है, BR आ सकता है, सही है ना? और कौन दिया है? दोनों आपको यहां BR दिए, तो दोनों आप BR2 के साथ करा रहे, दोनों BR आ सकते हैं, बट आपसे पूछा गया विच इज नॉट प्रोडक्ट, कौन सा नहीं होगा? दोनों Cl नहीं आ सकते, ठीक है, दोनों Cl नहीं होंगे, Cl और BR दोनों आ सकते हैं, ठीक है, तो ये आंसर होगा, दोनों Cl नहीं हो सकते, क्योंकि रिएक्शन में साथ में क्या है? एक्वस, आपने एक्वस मीडियम, सॉरी एक्वस ब्रोमीन भी डाल रखा है ना, तो ध्यान रखना यहाँ ClBr भी हो सकता है, दोनों Br हो सकते हैं, या OHBr भी हो सकता है, बट दोनों Cl नहीं हो सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? थर्ड आंसर होगा, ध्यान रखना इसमें क्या होगा? थर्ड आंसर होगा। गलत पूछा आपसे कि कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, ये साथी टीचर का बेटा, ओके थैंक यू। एक्का एल्यूमिनियम, तो देखो मेंडेलीव की आवर्त सारणी के अंदर बोरॉन की जगह पर गैलियम की जगह खाली छोड़ी थी, तो इससे ठीक पहले वाले के हिसाब से नाम दिया गया था, तो गैलियम के लिए तो एक का एल्यूमिनियम और जर्मेनियम के लिए एक का सिलिकॉन नाम दिया गया था, तो आंसर कौन सा जाएगा? फर्स्ट। एक्टिनाइड संकुचन लैंथेनाइड संकुचन की तुलना में ज्यादा होता है, क्यों? देखो अगर अपन बात करें तीसरे ग्रुप के बारे में, और यह है चौथा ग्रुप, स्कैडियम एट्रियम लेंथेनम और एक्टिनियम, टाइटेनियम जर्कोनियम हाफनियम और रदरफोर्डियम। स्टूडेंट होता क्या है कि यहाँ पर 57 से 72 अचानक से क्या है कि लेंथेनाइड तत्वों के कारण जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और यहाँ पर 89 से 104 अगेन यहाँ पर एक्टिनाइड तत्वों के कारण जेड का मान 14 इकाई से 14 यूनिट से बढ़ गया, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर कर रहा है तो सिग्मा तो कमजोर होगा, इसलिए जेड इफेक्टिव यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो एक्सपेक्टेड साइज में कॉन्ट्रैक्शन नजर आता है उसको अपन लेंथ एक्टिनाइड तत्वों के कारण तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा, और लेंथेनाइड तत्वों के कारण लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जेड इफेक्टिव जो है वो होता है जेड माइनस सिग्मा, तो जेड तो दोनों जगह पर 14 यूनिट से बढ़ रहा है, बट सिग्मा की अगर अपन बात करें तो 4F और 5F में साइज ज़्यादा होने के कारण 5F का सिग्मा जो है वो क्या होगा? सिग्मा की बात करें तो सिग्मा कमजोर होगा, और 5F का सिग्मा कमजोर होगा तो जेड इफेक्टिव जो है वो क्या होगा? ज्यादा। तो यहाँ पर 5F का सिग्मा कमजोर होने के कारण यहाँ जेड इफेक्टिव यहाँ की तुलना में ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो 5F का प्रोडक्शन प्रभाव जो है वो थोड़ा कम होता है 4F की तुलना में। हैलोजनों के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्रम दे रखा है ऑक्सीकारक, तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ऑक्सीकारक गुण दोनों अलग अलग चीज़ है। अगर फ्लोरीन अगर ऑक्सीकारक के रूप में काम कर रहा है तो बेसिकली फ्लोरीन जो है वो सबसे पहले अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर अपना ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करेगा, और फिर आपको पता है हाइड्रेशन भी इसका होगा, तो इस कंप्लीट प्रोसेस का जो डेल्टा एच है वो कितना ज़्यादा एक्सोथर्मिक है वो इसको बेटर बनाएगा। क्लोरीन भी अगर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करना चाह रहा है तो बेसिकली वो इस टाइप से कंप्लीट, ये कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होगी इसका भी कोई डेल्टा एच आएगा, तो जिस रिएक्शन का ज़्यादा डेल्टा एच नेगेटिव आएगा वो ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगा प्रोसेस। तो यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो कि पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव वैल्यू तो कम हो तो ठीक रहेगा, तो क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? कम, लेस, तो लेस पॉजिटिव होना अच्छी बात है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नेगेटिव होती है, यहाँ पर भी नेगेटिव बट ये ज़्यादा होती है यहाँ पर, और हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा होगी, दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब ये वाला फैक्टर फ्लोरीन को सपोर्ट कर रहा है, ये बीडी वाला फैक्टर भी, तो ओवरऑल डेल्टा एच नेगेटिव इस प्रोसेस का ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ही नहीं, आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हाइड्रेशन एनर्जी तीनों मिलकर ऑक्सीडाइजिंग एक्शन को शो करते हैं, इसलिए
क्लोरीन की बीडी का मान कम होना, और आप ये कह सकते हो कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी के ज्यादा होने के कारण ये क्लोरीन से आगे आ जाता है, तो यहाँ पर F2Cl2Br2 और I2 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर आएगा। तो सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन है? फ्लोरीन। यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है स्टूडेंट्स, HCl है तो क्रम सही है, इसमें क्या है कि यहाँ पर सही नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को आप करोगे तो इसमें तीन ऑप्शन आपको सही मिल रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, आपको इंग्लिश में देखना चाहिए। इनकरेक्ट हो गया, तो इनकरेक्ट आपको पूछा है तो एसिडिक ऑर्डर तो आपको पता है कि स्टूडेंट इधर बढ़ता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों ठीक है। कौन से प्रक्रम में ऊर्जा अवशोषित होगी? तो आपको पता है ये तो डेल्टा एच इजी हो गया, ये तो नेगेटिव होगा, ये डेल्टा एच इजी टू है और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो आंसर तो आपको मिल गया स्टूडेंट। सेकंड, सही क्रम प्रदर्शित करता है, तो सोडियम का आकार जो है वो एक प्रकार से क्या है, ज्यादा आकार है तो जलयोजन क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर आपको पूछा है। आयनिक गतिशीलता के बारे में बात करें तो एल्यूमिनियम जो है उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो आकार बड़ा हो जाएगा, तो इसकी गतिशीलता कम होगी, बात सही है, और सही चीज आपको पूछी है, ये तो गलत हो गया। जलयोजन ऊर्जा जो है वो एल्यूमिनियम की क्या होगी, ज्यादा, तो ये तो गलत हो गया। और प्रभावी नाभिक क्या आवेश, जेड जिसका ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा, उसका जेड इफेक्टिव मैग्नीशियम का ज्यादा होगा, तो ये भी गलत हो गया। आयरन ऊर्जा की अपन बात करें, ये होता है भाई तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना, गलत हो गया ये भी, तो आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड। आयनिक आकार का ना क्रम है तो गलत क्रम है, तो ये अपने पास 4F सीरीज है तो आयनिक आकार अगर +3 की अगर अपन बात करें तो अपन जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ने से आकार जो है वो घटेगा, तो लेंथेनम का आकार जो है वो एक प्रकार से सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद में जीडी और यूरोपियम में यूरोपियम का आकार ज्यादा होगा, जीडी का कम, तो ये यहां पर आएगा और ये यहां पर आएगा, तो ये गलत हो गया बेटा, ये गलत हो गया, बाकी आप चेक कर लो सही होंगे। मुख्य अधातु तत्व है, अधातु तत्व का मतलब होता है स्टूडेंट्स अधात्विक गुण ज्यादा किसमें है उसको अपन थोड़ा ज्यादा, मोस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी रिलेटिवली अपन बताते हैं कम ज्यादा, तो ज्यादा कौन, तो वो EN के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर EN बढ़ेगा, तो 17 ग्रुप वाले की EN क्या होगी, ज़्यादा। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप बनाओ, पढ़ के गए थे फिर भी गलत कैसे हो गया, तो उन चीज़ों को दोबारा पढ़ो, ठीक है, थैंक यू।